विराट कोहली की ये गलती नहीं आई, थर्ड अंपायर को राश मैच के बाद विराट के ऊपर लगा मैच फीस का 50% जुर्माना। केकेआर के खिलाफ आउट होने के बाद बड़ी गलती का शिकार हुए किंग कोहली, बातों ही बातों में अंपायर से कर बैठे बहस, अब देना होगा बड़ा जुर्माना। आरसीबी के स्टार बैटर विराट कोहली को केकेआर के खिलाफ खेले गए मैच में अंपायर से बहस करना भारी पड़ गया। विराट कोहली पर बीसीसीआई ने मैच के बाद जुर्माना ठोक दिया है। नो बॉल को लेकर हुए विवाद के बाद कोहली अंपायर से भिड़ते हुए नजर आए थे। बीसीसीआई पर मैच फीस का 50% जुर्माना किंग कोहली पर लगा दिया है। ये मैच ईडन गार्डन्स में खेला गया था। केकेआर के खिलाफ खेले गए मैच में आरसीबी की टीम को एक रन से करीबी हार का सामना भी करना पड़ा था। इस मैच में आरसीबी की टीम के स्टार बैटर विराट कोहली का आउट होना विवादों का कारण बना। कोहली थर्ड अंपायर द्वारा दिए गए नो बॉल के विवाद के बाद गुस्से में नजर आए। केकेआर और आरसीबी के बीच खेला गया ये मैच जमकर सुर्खियों में है। रोमांच के साथ साथ इस मुकाबले में बड़ा ट्विस्ट था। विराट कोहली को आउट करार दिया जाना ट्विस्ट का मुख्य कारण बना। इस फैसले पर अभी भी खूब चर्चा हो रही है। हर्षित राणा ने कोहली को हाई फुलटॉस गेंद फेंकी, जो पहली नजर में नो बॉल नजर आई। विराट इस बॉल को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे और गेंद को हर्षित के हाथों में ही मार बैठे। थर्ड अंपायर की मदद ली गई और उन्होंने इस बॉल को लीगल करार दिया। विराट मैदान से जाते हुए अंपायर से भी तीखी बहस करते हुए दिखाई दिए, जिसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ा।